73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेपाल स्थित भारतीय दूतावास द्वारा काठमांडू में विख्यात बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कंसर्ट का आयोजन किया गया। 15 अगस्त की शाम आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों संगीत प्रेमियों के साथ नेपाल के उप प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव और विदेश मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली भी शामिल हुए। हमारे काठमांडू संवाददाता राजकुमार ने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से खास बातचीत की है। हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान, प्रख्यात बांसुरी वादक और पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। प्रसार भारती में आपका स्वागत है। आप पशुपतिनाथ की नगरी में हैं, काठमांडू और नेपाल आपको कैसा लगा? बहुत सुंदर, बहुत ही अति सुंदर। और मुझे क्या होता है, ऐसे जगहों से इसलिए प्यार ज़्यादा हो जाता है कि मैं जैसे ही पहली बार आया, देखा लोगों के हाथ में बांसुरी और बजा रहे हैं और मुझे रिसीव किया, करीब 30-40 लोग थे, तो मुझे लगा यही मेरी नगरी है। तो बहुत अच्छा लगता है जब भी आता हूँ। नेपाल में बांसुरी बहुत लोकप्रिय है और आपके कार्यक्रम में नेपाल के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी आए, यहाँ तक कि लोगों के पास खड़े होने की भी जगह नहीं थी। ऐसे बांसुरी प्रेमियों के बीच कार्यक्रम करके आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं अपने घर में बजा रहा हूँ और सभी संगीत प्रेमियों को, और उसके अलावा जो हमारे आजकल पॉलिटिशियन लोगों में इतना प्रेम हो गया, खासकर यहाँ पर नेपाल में, कि देखिए ऐसे ऐसे मिनिस्टर लोग आके बैठे थे और इन्जॉय कर रहे थे, और बाद में मुझे आके बहुत ही सम्मान दिया और बहुत ही प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा। भारत और नेपाल के बीच युगों पुराने सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध हैं, इन संबंधों में आप बांसुरी को कैसे देखते हैं? मैंने कहा ना, बांसुरी एक माध्यम है, हमारा माध्यम है, सॉरी, बांसुरी एक माध्यम है जिससे हम लोग, लगता है कि हम एक ही हैं, एक ही समय में एक ही जगह पे पैदा हुए हैं। और भारत और नेपाल में कोई फ़र्क लगता ही नहीं है, सभी लोग, चेहरा सबका एक सा है, भाषा एक बोलते हैं, खाना एक खाते हैं, तो मुझे नहीं लगा कि कोई कोई अलगाव है। इसलिए जोड़ती है कि बांसुरी, मुझे बांसुरी से बचपन से ही प्रेम है, और जहाँ देखता हूँ, जहाँ ज़्यादा देखता हूँ लोगों को, मुझे लगता है कि अगली बार आऊँगा तो हो सकता है कि सभी के हाथ में बांसुरी हो, तो अच्छा लगता है। और लगता है कि ये लोग बांसुरी को सुन के और उसी में मस्त रहते हैं। बांसुरी के साथ अपने 6 दशक से अधिक के सफ़र को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है अभी मेरा सफ़र अभी शुरू हुआ है और अभी बहुत चलेगा, और परेशानियाँ भी होती हैं, लेकिन जब बांसुरी सुनता हूँ या बजाता हूँ तो बहुत आनंद आता है। और मुझे लगता है ये सफ़र सबसे अच्छा है, वो सफ़र जो कि आदमी दूसरी चीज़ों में फंसा रहे या परेशानी में, वो अच्छा नहीं है, बांसुरी में फंसा रहे तो अच्छा है। आपके पिता आपको पहलवान बनाना चाहते थे और कुछ समय तक आपने पहलवानी भी की, फिर पहलवानी से संगीत की तरफ झुकाव कैसे हुआ? वो बचपन से ही था, मेरी माँ जब मेरे कान में लोरी सुनाती थी सोने के समय में, तभी से मुझे बहुत प्यार हो गया था संगीत से, फिर मैं भी गुनगुनाया करता था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि संगीत एक ऐसी चीज़ है, जैसे ईश्वर होता है, ईश्वर के दर्शन होते हैं, वैसे स्वरों के दर्शन होते हैं। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छा माध्यम है, मैं इसको ज़रूर अपनाऊंगा, जैसे भी हो, किसी भी हालत में हो। तो उसी दिन से मेरे दिल में ऐसी बात आ गई और मैं तब से स्वरों से जुड़ा हुआ। आपने ऑल इंडिया रेडियो से अपने करियर की शुरुआत की, आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़ी अपनी कुछ खास यादें या अनुभव आप हमसे साझा करना चाहेंगे? बहुत सी यादें हैं, बहुत सी, मैं कहूँगा तो अभी पूरा दिन निकल जाएगा आप सुनते सुनते। मेरा बचपन वहीं से शुरू हुआ, बचपन में मैं बच्चों के प्रोग्राम में इलाहाबाद ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी इलाहाबाद से परफॉर्म करता था। 3-4 साल के बाद में मुझे, जब मैं मेरी एज हो गई 18 ईयर्स, तो मुझे जॉब मिल गया ऑल इंडिया रेडियो का। तो एक समझिए मेरी पैदाइश ही ऑल इंडिया रेडियो में हुई है और वही चल रहा है, और अभी तक मैं वहाँ जाता हूँ, बजाता हूँ। कितने साल हो गए सोचिए, 53 या 54 से लेके आज कितने साल हो गए, तो हमारा वो घर बन गया है पूरा। लेकिन आजकल थोड़ा सा रेडियो में संगीत की कमी हो रही है, या कुछ उसको निकाला जा रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है जो कि आजकल कलाकारों को वहाँ नहीं बुलाते, उनके रिकॉर्ड बजाते हैं। तो ये मुझे मालूम नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, लेकिन फिर भी हमारा घर रेडियो शुरू हुआ था, रेडियो से मेरा जीवन और रेडियो से ही ख़त्म होगा। आपने बांसुरी को दुनिया भर में लोकप्रियता दिलाई। जी जी, इसको आप कैसे देखते हैं? ये होना चाहिए हमारी, क्या कहें, हमें हमारी रिस्पांसिबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी
कि हम जो संगीत की चर्चा करते हैं हमारे बच्चे लोग भी करें, हमारे आने वाली पीढ़ियां करें, और जब तक हुआ करते रहे, आज भी करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आज थोड़ा समय बदल रहा है और थोड़ा लोगों का विचार बदल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं मार्केट में, बच्चे उसको प्रेफर करते हैं, उस समय मोबाइल नहीं था, आज मोबाइल आ गया, उसमें बिजी रहते हैं। तो हम बच्चों को दोष नहीं देते, वो भी एक उनको अच्छा लगता है वो भी करें, लेकिन संगीत की तरफ से रुचि और रुझान जो है वो हमेशा बना रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी शेप में हो, लेकिन अगर उसके पीछे रहेंगे थोड़ा तो उनकी तबीयत के लिए, उनके शरीर के लिए, उनके ध्यान के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एक आखिरी सवाल पंडित जी, आपने शास्त्रीय संगीत के अलावा पंडित शिव कुमार शर्मा जी के साथ मिलकर सिलसिला और चांदनी जैसी सुपरहिट फिल्मों में संगीत भी दिया, उस समय के संगीत और आज के संगीत को आप कैसे देखते हैं? समय के हिसाब से ठीक है, उस समय का लोग जरा मेलोडी को सुनते थे, गाते थे, गाने की किताबें मिलती थी हॉल के बाहर, और आज के मेलोडी में, आज के पिक्चर की स्टोरी में और लाइन में कुछ पता नहीं चलता कि स्टोरी को म्यूज़िक की ज़रूरत है या म्यूज़िक को स्टोरी की ज़रूरत है, कुछ पता नहीं लगता है। मैं खुद खो जाता हूँ, तो वो लोग जो बेचारे बनाते होंगे कितने खो जाते होंगे, तो पता नहीं लगता। लेकिन आज के हिसाब से बच्चों को अच्छा लगता है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को, तो ठीक है। लेकिन जो हम लोगों के समय में संगीत था, वो लोग गुनगुनाया करते थे, गाया करते थे, घर में पूरा परिवार गाता था और लोग शादियों में गाते थे। आजकल वो प्रथा नहीं रही, हो सकता आगे फिर आ जाए वो। प्रसार भारती से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते चलते 73वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय दूतावास द्वारा नेपाल आर्मी ऑफिसर्स क्लब ऑडिटोरियम में आयोजित पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के कॉन्सर्ट की एक झलक। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए अनुमति।